हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए नई वीडियो लेकर आया हूँ। ये वीडियो बस स्टैंड पे बेस्ड है। इसमें मैंने ड्राइंग करके रखी हुई है, मैं बैकग्राउंड में अब कलर फ्लो करा रहा हूँ। सबसे पहले मैंने स्काई के लिए कोबाल्ट ब्लू प्लस इंडियन येलो एंड गम्बो येलो, ये मॉर्निंग के सीन के अकॉर्डिंग मैंने इसको रखा हुआ है, इसलिए इन सब कलरों को बैकग्राउंड में फ्लो कर लेंगे फर्स्ट उनके लिए। यहाँ मैंने फ्रेंच अल्ट्रा मैरिन को भी हल्का सा इसमें इंक्लूड किया हुआ है। इंडियन येलो को हमारे ह्यूमन फिगर पे भी अप्लाई कर देंगे, क्योंकि येलो ऐसा कलर है जो सब में इजीली मिक्स हो जाता है सभी कलरों में। अब हम फ्लैट कलर से पीछे के बैकग्राउंड को बना लेंगे। इसमें मैंने ऑरेंज कलर और कोबाल्ट ब्लू इन सब कलरों को थोड़ा सा वेरिएशन के अकॉर्डिंग यूज़ किया हुआ है। यहाँ पर मैं गम्बोज येलो यूज़ कर रहा हूँ। ये सभी हम फ्लैट में ही रखेंगे, सिर्फ हल्का फुल्का डिटेल करेंगे, क्योंकि हमारे बैकग्राउंड का सीन है, अपने सब्जेक्ट को बैकग्राउंड से अलग करते हुए जाएंगे। हल्का फुल्का डिटेल भी करेंगे उसमें। आप देख सकते हैं कि हमारा बैकग्राउंड में कलर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। अब मैं जो हमारे सब्जेक्ट के पास जो एलिमेंट हैं उसको मैं क्लियर कर रहा हूँ। यहाँ मैंने इंडियन येलो प्लस फ्रेंच अल्ट्रा मैरिन कलर को फ्लो किया हुआ है, जो हमारा स्टैंड का एरिया है। और नीचे ज़मीन के लिए भी मैंने ऑरेंज को प्लस हल्का सा सैप ग्रीन कलर को मिक्स किया। ये ग्रीन पार्ट जो हम अभी कलर कर रहे हैं, ये हम ग्राउंड में घास के जैसा वो बनाते हैं, क्योंकि बस स्टैंड पे आप देखते हैं वो मिट्टी वाला एरिया होता है, वहाँ पे घास वास होती है। बसों को थोड़ा सा बैकग्राउंड से अलग कर लेंगे। ये पीछे वाले बस ऑरेंज कलर यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे, और यहाँ के कलर को मैं हल्का सा वेरिडन ग्रीन को लाइट टोन में ही यूज़ कर रहा हूँ इस वाली बस को भी, क्योंकि जो हमारे रोडवेज या मतलब सिटी बस जो होती है वो ऑलमोस्ट सेम कलर की होती है, और किसी किसी पे स्टिकर्स भी होते हैं। इस बस को मैं गम्बो येलो प्लस इंडियन येलो इन सब के मिक्सचर को यूज़ कर रहा हूँ कलर करने के लिए। थोड़ा सी डिटेलिंग भी करते जाएंगे। मैं बता रहा था कि जो हमारे बस स्टैंड होते हैं उसमें कलर जो बसेस के होती हैं ऑलमोस्ट सभी के सिमिलर होते हैं, एक दो स्पेशल बसेस भी होती हैं वहाँ पे, तो उनके कलर बदल देते हैं हम। अब हम जो हमारी लेडी कैरेक्टर है उसके साड़ी के लिए यहाँ पे हम क्रिम्सन लेक कलर को यूज़ कर रहे हैं। फर्स्ट उनमें हम इसको लाइटली ही रखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और अब जो बैग लिया हुआ है आदमी ने, उसको हम यहाँ पे पर्पल कलर यूज़ कर रहे हैं। कलर के वेरिएशन को ज़रूर हम अपने कंपोजिशन में यूज़ करेंगे। और पैंट पे अब मैं ब्राउन कलर यूज़ कर रहा हूँ, ब्राउन मतलब ब्रंटसाइना। हल्का सा मैंने इसमें स्कारलेट भी मिक्स किया हुआ है। और जो कंडक्टर होते हैं बस के, उसको मैं यहाँ पे ऐसे ही फ्लैट कलर से बना ले रहा हूँ। इस कलर के लिए मैंने कोबाल्ट प्लस स्कारलेट को मिक्स करके यूज़ किया है। अब थोड़ा सा डायमेंशन के लिए हम वेरिडन ग्रीन के कुछ टोन लगाएंगे बसों पे, जो हमारी पीछे वाले बैकग्राउंड की बसें हैं। और जो हमारी पहली बस है उस पर हल्का सा इंडियन येलो सेकेंड टोन भी यूज़ लगाएंगे अभी हम। थोड़ा डिटेल भी करते जाएंगे, जैसे जैसे हमें ज़रूरत लगेगी हम डिटेल भी करते जाएंगे और अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग चीज़ों को बनाते भी रहेंगे। अब हम सेकेंड टोन में फिर स्कारलेट को ही और क्रिम्सन लेक को मिक्स करके साड़ी के लिए यूज़ कर रहे हैं। साड़ी के सेकेंड टोन जहाँ जहाँ हमें लगेगा हम वहाँ पर थोड़ा सा डार्क भी करते जाएंगे, उससे थोड़े फोल्ड भी दिखाएंगे।
कंपोजिशन में जितना वेरिएशन रहेगा उतना ही अच्छा रहता है। अब यहाँ पे मैं वेरिडिन प्लस कोबाल्ट ब्लू के लाइट टोन को यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि ये हम जो वाइट शर्ट बना रहे हैं और जो स्किन के लिए मैंने यहाँ पर ब्रंटसाइना प्लस कोबाल्ट ब्लू मिक्स करके यूज़ किया हुआ है, थोड़ा सा डार्क स्किन बनाया है मैंने। और लेडी के लिए मैंने यहाँ पे ऑरेंज कलर के ही लाइट टोन रखे हुए हैं, बच्चा जो भी है उसके लिए भी मैंने वही टोन रखा हुआ है। पीछे के जो हमारे सब्जेक्ट्स के साथ जो बैकग्राउंड के कैरेक्टर होते हैं उनको हम फ्लैट कलर से ब्रश से ही स्केच करेंगे, क्योंकि हमें ज़्यादा डिटेल बैकग्राउंड में नहीं रखना है। हम किसी भी कलर को यूज़ कर सकते हैं, बट ज़्यादा करके हम ऐसे कलर को रखते हैं जो बैकग्राउंड में अच्छे से मिक्स हो जाए। यहाँ पे मैं ब्लू प्लस ब्राउन इन सब कलरों को ज़्यादा यूज़ कर रहा हूँ, और इन सब के लिए ड्राइंग के लिए हमें पतले ब्रश को ही यूज़ करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत छोटे कैरेक्टर्स होते हैं। कुछ सामान वामान भी बना लेंगे टायर के साथ, क्योंकि ये हमारे टायर का पार्ट है। बस स्टैंड पे आप देखते हैं कई सारे पार्सल भी रखे होते हैं, तो ये सब छोटे छोटे एलिमेंट्स को हमको अपने कंपोजिशन में ऐड करना चाहिए, जिससे कंपोजिशन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग और सुंदर भी हो जाता है। थोड़ा डिटेल भी करते जाएंगे, हल्की हल्की जो हमारा सेकेंड टोन है उसको भी हम बढ़ाते जाएंगे। स्किन के लिए मैंने सेम ब्रंटसाइना को यूज़ किया यहाँ पे। वीडियो अच्छी लग रही तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, हल्का हल्का डिटेल भी करते जाएंगे। अब मैं यहाँ पे स्कारलेट में हल्का सा क्रिम्सन और क्योंकि ये हमारा हल्का डार्क स्पेस है, हम जो 3D सब्जेक्ट जब बनाते हैं अपने कंपोजिशन में तो उसमें टोन और डायमेंशन को ध्यान में रखते हैं। हल्के हल्के पीछे और भी कैरेक्टर बना देंगे, जिससे कि हमें भीड़ भाड़ का इलाका लगे, क्योंकि बस स्टैंड थोड़ा भीड़ भाड़ वाला इलाका होता है। आउटलाइनिंग के लिए मैं स्कारलेट प्लस ब्लैक कलर को यूज़ कर रहा हूँ, उसके मिक्सचर को, और पतले ब्रश से हम आउटलाइन भी करते रहेंगे जैसे जैसे हमें ज़रूरत लगेगी। सेकेंड टोन के लिए पैंट के मैंने ब्राउन कलर को ही यूज़ किया है यहाँ पे। और जो बसों में शीशे लगे होते हैं उसके लिए मैंने यहाँ पे पर्पल के लाइट टोन यूज़ किए हैं। बाल के लिए भी मैंने यहाँ पे ब्राउन प्लस स्कारलेट और ब्लैक के कलर के मिक्सचर को यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि जो हमारा बाल में एक आप देखेंगे तो रेडिश शेड वगैरह दिखता है लाइट में। धीरे धीरे हम डिटेल भी करते जा रहे हैं। अब मैं स्कारलेट में ब्लैक कलर को मिक्स करके यूज़ कर रहा हूँ आउटलाइनिंग के लिए, और जो साड़ी के डार्क एरियाज़ हैं हमारे उसके लिए भी। औरत के ब्लाउज़ के लिए मैंने ऑरेंज कलर यूज़ किया है, और जो आदमी के कपड़े के डिटेल के लिए मैंने अभी यहाँ पे वेरिडियन ग्रीन से आउटलाइन कर रहा हूँ उसके शर्ट। अब एकदम पतले ब्रश से हम ब्लैक कलर के हल्के टोन बढ़ाते जाएंगे, ब्लैक प्लस स्कारलेट। हम जल्दी प्योर ब्लैक यूज़ नहीं करेंगे, ज़्यादातर करके उसको मिक्स शेड में ही रखेंगे, और जितना हो सकेगा हम एक्सप्रेशंस को भी दिखाने की कोशिश करेंगे। अगर आप अपने कंपोजिशन में एक्सप्रेशन को ज़्यादा बनाते हैं या उस पर फोकस कराते हैं तो एग्ज़ामिनर को बहुत वो पसंद आते हैं कंपोजिशन, तो हमें जितना हो सकता है अपने कंपोजिशन में एक्सप्रेशनल और थोड़े से रिलेशन होने को ध्यान में रखना चाहिए, कि हम जो भी चीज़ बना रहे हैं वो एक दूसरे से रिलेटिव हो।
अब थोड़े थोड़े डिटेल भी करते जाएंगे, बस स्टैंड वगैरह जो उस पर लिखे होते हैं। और आपने देखा होगा कि बस स्टैंड में कई अलग अलग स्टॉपेज के कॉलम बने होते हैं, हम उन्हें भी बना देंगे। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो जाता है कॉम्पोजिशन, जितना आप इनमें एलिमेंट को इंक्लूड करेंगे वो उतना ही अच्छा लगेगा। कुछ अंदर वाले पिलर भी बनाएंगे, डिटेल भी करते जाएंगे जैसे जैसे हमें जहाँ पे ज़रूरत लगेगी। थोड़े से शेडो पार्ट के लिए मैंने यहाँ पे ब्लू में पर्पल कलर को मिक्स करके यूज़ किया है। ब्लू में मैंने कोबाल्ट ब्लू यूज़ किया है क्योंकि अब ये शेडो है, हम शेडो ज़रूर बनाएंगे अपने कंपोजिशन में जिससे हमारे लाइट के इफ़ेक्ट्स क्लियर हो जाएं। थोड़े फाइनल डिटेल के लिए उसमें स्कारलेट प्लस ब्लैक कलर के से आउटलाइन करेंगे। और एकदम लास्ट में जो हमारा फाइनल टोन होगा उसमें हम प्योर ब्लैक कहीं कहीं यूज करेंगे, सिर्फ कहीं कहीं, हम पूरी आउटलाइन ब्लैक से नहीं करेंगे। ये चीज़ें ध्यान रखने वाली हैं, आप इन सब चीज़ों को अगर नहीं ध्यान देंगे तो हमारा कंपोजिशन एकदम मोनोटोनस हो जाएगा। अब हम थोड़ा सा एलिमेंट बढ़ाने के लिए पीछे बैकग्राउंड में एक पेड़ बना लेंगे। अभी मैंने ब्राउन कलर से उसकी टहनियाँ बनाई हैं, अब वेरिडिन ग्रीन और पर्सियन ब्लू को मिक्स करके पेड़ की पत्तियाँ बना रहा हूँ मैं। ये फ्लैट टोन में ही हमने रखे हैं, इस पर ज़्यादा डिटेल नहीं करेंगे। और फाइनल डार्क टोन के लिए पर्सियन ब्लू में मैंने स्कारलेट यूज़ किया है। थोड़े तार वार बना देंगे क्योंकि आप जो हमारा बस स्टैंड होता है वो शहरी इलाकों में होता है ज़्यादा करके, और तार वार आसपास में होते ही हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो और कंटेंट इन्फॉर्मेटिव लग रहे हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा के सारे नोटिफिकेशन के लिए ऑल कर दें जिससे मेरे वीडियो के सारे नोटिफिकेशन आपको मिल जाए जैसे मैं वीडियो अपलोड करूं। ऐसे और भी कई सारे कंपोजिशन जिसमें घाट का कंपोजिशन, डेली लाइफ सब्जी वाला कंपोजिशन, बहुत सारे जो BHU के एंट्रेंस में हमें हेल्प करते हैं, उन सब कंपोजिशन के मैंने लिंक ऊपर डिस्क्रिप्शन में भी दिए हुए हैं, आप उन्हें भी जाके देख सकते हैं।
और आपको किसी स्पेशल टॉपिक या किसी स्पेशल कंटेंट पे मेरे से कोई क्वेश्चंस करने हैं तो आप कमेंट में ज़रूर पूछें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पे कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें। थैंक